हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ्यू। आज हम जिस कविता को सीखने जा रहे हैं वह है द साम ऑफ लाइफ, यानी जीवन का बाइबल या जीवन का पवित्र ग्रंथ भी समझ सकते हैं। इसको लिखने वाले हैं एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, 1807 1882 इनका जीवन काल रहा। इसमें उन्होंने जीवन के बारे में बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि लाइफ जो है, जीवन दृढ़ संकल्प है, सच्चाई है, वास्तविकता है, एंड इसका उद्देश्य मृत्यु नहीं है, कब्र नहीं है। हम धूल में हमको मिलना नहीं है, ऐसा नहीं। यह आत्मा नहीं कहती है जीवन केवल आनंद नहीं है, जीवन दुखी नहीं है, ये इसका उद्देश्य नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है, बल्कि हर एक कल में हम एक नया, हर एक कल के लिए हम कुछ आज नया करें और आगे बढ़ें। और यह जीवन जो है युद्ध क्षेत्र है, यह एक अस्थाई पड़ाव है, और इसमें हमें गूंगा नहीं रहना है या पशु जैसा नहीं रहना है। और किसी जैसे पशु को ड्राइव किया जाता है, उस तरह से ड्राइव नहीं होना है, बल्कि एक नायक के रूप में रहना है। और इस संघर्ष में नायक के रूप में उभरना है, और इसलिए हमें करते रहना है और पूरे दिल से काम करना है, और परिणाम कुछ भी हो इसके बारे में नहीं सोचना है। हमेशा अब भी कुछ प्राप्त करें, हमेशा कुछ प्राप्त करें, और ये सीख लें कि परिश्रम करना है और रिजल्ट का इंतज़ार करना है। लेट अस गो इन इंग्लिश। लाइफ इज रियलिटी, डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट गोल, और वी हैव टू नॉट रिटर्न इन डस्ट, वी शुड नॉट हैव सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इन आवर माइंड, एंड लाइफ इज नॉट ओनली एंजॉयमेंट or sorrow. We should do something better every day for better tomorrow, and go ahead in this field of battle. And this is temporary stoppage. Life is temporary stoppage, and we should not become dumb and driving cattle, but a hero, and we should do the work with heart. Should not worry about the fate, and we should learn how to labor and wait for the result. Thank you for being with me. Thank you very much.